नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। मकान मालिक के बेटे ने महिला के साथ किया बलात्कार, शिकायत करने पर फोटो वायरल करने की दी धमकी। उत्तर प्रदेश की इटावा में किराए के मकान में रह रही एक महिला के साथ मकान मालिक के बेटे के द्वारा बलात्कार करने का मामला सामने आ रहा है। वही मकान मालिक के बेटे से परेशान होकर महिला ने फ्रेंड्स कॉलोनी थाने में मकान मालिक के बेटे के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया और जांच पड़ताल शुरू की गई। महिला के मकान मालिक पर लगाया बलात्कार करने का आरोप फ्रेंड्स कॉलोनी क्षेत्र में रहने वाली पीड़ित महिला ने जानकारी देते हुए बताया कि वह कई सालों से एक किराए के मकान में रह रही थी। इस दौरान 22 मई 2021 को मकान मालिक के बेटे ने हमारी असली फोटो वायरल करने की धमकी दी और फिर से मकान मालिक के बेटे ने मेरे साथ बलात्कार किया और फिर से फोटो को वायरल करने की धमकी देने लगा, जिसे परेशान होकर हमने थाने में शिकायत दर्ज कराई। एसएसपी ने पीड़ित महिला से की मुलाकात। महिला के द्वारा थाने में रिपोर्ट देने के बाद पूरा प्रशासन में हड़कंप मच गया। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ब्रजेश कुमार सी, सिटी मजिस्ट्रेट उमेश मिश्रा और जनपद के तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे। इस दौरान एसएसपी ने पीड़ित महिला से मुलाकात की, वही उसकी परेशानियों को भी सुना। इस दौरान एसएसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि महिला का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। महिला के द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर इस संबंध में धारा 376 व 506 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और पूरे मामले की जांच क्षेत्र अधिकारी को दे दी गई है। इटावा से राहुल तिवारी की एक खास रिपोर्ट। देखिए, प्रकरण ये है कि महिला की ये कहना है कि 2019 में जिस मकान में रहती थी वहाँ पे मकान मालिक के लड़के द्वारा छेड़खानी की गई, उसके बाद बलात्कार किया गया। फिर दोबारा 22 मई को पुनः वही घटना रिपीट हुई, जब उसने मकान बदल दिया, उसके बाद ही पुनः ये घटना हुई है। उस संबंध में तहरीर दिया है कि मेरे हस्बैंड को कोई फोटो वगैरह वायरल करके इसने दिया है, जैसा कि अभी इसका कहना है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है 376 और 506 का, साथ में आईटी एक्ट की धारा भी लगाई गई है। आगे जांच की जा रही है, मौका देखने आया था। जो भी चीज़ें तथ्य निकल के आएंगे, मेडिकल कराया जाएगा, जो तथ्य निकल के आएंगे उस पर कार्रवाई।